और ये देखो जो ये वाला एरिया ना पूरा, ये पूरा मेरा स्टूडियो है, घर के बिल्कुल टॉप फ्लोर पे स्टूडियो है पूरा का पूरा। मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ सीधा अपने बेड से, बिकॉज आप लोगों को पता होगा मैंने शिफ्ट कर लिया था अपना रूम नए वाले स्टूडियो में। नए वाला घर जो हमने लिया ना, वहाँ पे गोल बेड है, आलीशान सा पूरा रूम, एकदम बड़ा बड़ा सा खुला खुला, वहाँ पे स्पेस भी ज्यादा, सब कुछ बढ़िया, वॉशरूम स्टीमर लगा हुआ है। बट आप लोग नोटिस कर रहे थे कि मैं काफी ब्लॉग से यहीं पे एडिटिंग कर रहा हूँ, यहीं पे सो रहा हूँ, यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो काफी लोग बोल रहे थे कि अब वहां क्यों नहीं सो रहे, वहां क्यों नहीं रह रहे, सारा सामान शिफ्ट कर लिया था। तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आ गया हूँ नए वाले रूम पे जहाँ कुछ दिनों से मैं सो रहा था, तो फाइनल बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा अकेला अकेला सा लग रहा था, फैमिली से कनेक्टेड नहीं लग रहा था। बट भाई यहाँ पे कम्फर्ट था, हाँ सोने का, क्योंकि काफी बड़ा बेड है, लग्जरी है, यहाँ पे सामान है, यहाँ पे अलमीरा वगैरह सब कुछ है, इवन वॉशरूम भी तगड़ा वाला है, काफी बड़ा वाला स्टीमर भी है। आप लोग जो है कभी यहाँ कभी वहां पता नहीं क्या बोलते रहता है, बट हाँ जो मुझे एक्चुअल में फील हुआ वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ। जब हमने ये वाला घर लिया था ना, तब ये देख के था बहुत खुश हो गया था, भाई मैं तो यहीं रहूंगा, कितना मस्त खुला खुला गोल बेड, यहाँ पे सब कुछ एकदम लग्जरी लग्जरी। बट अब देखो, अब बिल्कुल ही चेंज हो गया मेरा माइंड, क्योंकि मेन फीलिंग मैटर करती है कि तुम कैसे फील कर रहे हो। और मैं सारा सामान अपना वापस इसी घर में लाया हूँ, इसी स्टूडियो में। जो नए वाले घर है ना, वहाँ पे मतलब वो वाइब नहीं आ रही थी, वो फील नहीं आ रहा था, बिकॉज 2-2.5 साल से मैं यहीं पे रह रहा हूँ ना, तो फैमिली के साथ में एकदम कनेक्शन सा रहता है, बिकॉज बगल में मम्मी पापा रहते हैं, सब अम्मा बाबू चाचा चाची सब यहीं पे रहते हैं। तो मतलब वहां पे ना अलग से रह के थोड़ा अजीब सी फीलिंग आ रही थी, तो मैं सारा सामान वापस ले आया यहाँ पे, सारे कपड़े, प्ले बटन और सारा अपना सामान सारा यहीं पे ले आया। बेस्ट है, छोटा सा बेड अपना, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये कि मुझे कितना भी लग्जरी कुछ भी घर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, अगर फैमिली नहीं होगी ना, फैमिली आसपास नहीं होगी, घर वाले नहीं होंगे ना, तो भाई मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आएगी। पूरा बिखरा बिखरा हो गया देखो सारा पूरा रूम, बट कोई बात नहीं, मैं बिखरे में रह लूंगा। यहाँ पे मुझे रात को कितने बजे भी किसी से बात करनी हो फैमिली से, सीधा यहाँ गया, खोला, बाहर गया और बात करी। ये देखो यहीं पे किचन, मम्मी जी मैंने वापस यहीं शिफ्ट कर लिया अपना रूम, सही है ना, वहां पे पहले कह रही थी तेरे को बेटा तेरा यहीं सही रहेगा। तो अभी सारा सामान मुझे वापस रखना पड़ेगा इस अलमारी में, बट इस अलमारी में देखो पीयूष के कपड़े हैं, भाई पीयूष ने अपने कपड़े रख लिए थे। तो अभी आ गया हूँ नए वाले घर पे जो हमारा बन रहा है ना, भाई ये तो और भी बड़ा है, यहाँ पे तो मतलब फ्लोर ही अलग है, बच्चों के अलग है, पेरेंट्स के अलग है, तो पता नहीं यहाँ पे भी हम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, बिकॉज भाई बचपन से आया था ना, बचपन से तो भाई स्टार्टिंग में हम एक रूम में रहते थे पूरी फैमिली, सिर्फ एक रूम में, उसके बाद फिर दो रूम हुए, तीन रूम हुए, अभी भी तीन रूम में ही रहते हैं। जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे तब तो भाई यहाँ पे 8 कमरे हैं, सबका अलग अलग कमरा है, पता नहीं किस तरह से रहेंगे, आदत लगानी पड़ेगी हमको। बट फिर भी ये घर इस तरह से डिजाइन हुआ है कि पूरी फैमिली कनेक्टेड रहे, जैसे कि अभी मैं अपने रूम में हूँ, तो रूम से मैं यहाँ नीचे देख सकता हूँ, किचन में देख सकता हूँ, सब जगह देख सकता हूँ। तो गाइस हम कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, ये देखो मेरे हाथ में गन जैसी है ना, और यहाँ पे मशीन है, इसके अंदर है इमली का पानी। इससे क्या होता है ना, अगर हम पहली दीवारों पे इमली का पानी मार देंगे प्लास्टर से पहले, पेंट से पहले, तो जो पपड़ी होती है ना, पेंट खराब नहीं होगा हमारा, दीवार खराब नहीं होगी हमारी, तो इसके अंदर पूरा इमली का पानी भरा हुआ है। तो इमली का पानी हम पूरे घर में पूरी दीवारों पे मार रहे हैं, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ये देखो इसमें से मस्त इमली का पानी निकल रहा है गाइस, ये देखो पूरे ड्रम में इमली भरी हुई है, इमली का पानी भरा हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो यहाँ से छान के उस मशीन में डाल रहे हैं, फिर पूरे घर में छिड़कना है। तो अभी आ गया अपने रूम पे, और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक की सारी पाइप्स लग चुकी हैं, तो इसके अंदर वायर आएगी ना, यहाँ मेरा बेड आएगा। और हम ना पूरे घर में ऑटोमेशन करा रहे हैं। ऑटोमेशन क्या होता है, जैसे मान लो मैं रात को सोया हूँ, ठीक है, अब सुबह उठा तो अपने आप पर्दे खुल जाएंगे, जैसी सनलाइट आएगी तो एक टाइम सेट कर दूंगा, अपने आप पर्दे खुल जाएंगे, यहाँ के पर्दे भी अपने आप खुल जाएंगे, अपने आप लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, मैं जैसी वॉशरूम में जाऊंगा सेंसर वाली लाइट होगी, अपने आप खुल जाएंगी, अपने आप जैसे बाहर आऊंगा, तो सब कुछ ऑटोमेटिक। मम्मी नीचे से लाइट कंट्रोल कर सकती है, मम्मी मान लो नीचे है, नीचे से पूरे घर की लाइट कंट्रोल कर सकती है, फोन से लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, और जो हमारा घर का मेन गेट है वो गाड़ी आएगी तो सेंसर से अपने आप खुल जाएगा। तो मतलब सारा ऑटोमेटिक वाला सिस्टम पूरे घर में करवा रहे हैं हम लाइट का, ताकि किसी को दिक्कत ना आए। मतलब जो मुझे लगता है प्रैक्टिकली जरूरी है घर में, मैं वो चीजें करा रहा हूँ। जैसे मेन गेट वाला, भाई बाय बाय मेन गेट पे कौन जाएगा, हमारी गाड़ी आएगी, अपने आप गेट खुलेगा, अपने आप बंद होगा, गाड़ी अंदर घुसेगी। या फिर मैं मान लो बाहर हूँ, मेरे को पहले अपने रूम का एसी ऑन करना है, तो एसी भी सेंट्रलाइज करा रहा हूँ, पूरा ऑटोमेटिक एसी, कि भाई मैं बाहर हूँ, मुझे पहले ही बाहर से ही फोन से मैं एसी ऑन कर दूंगा, अपना रूम ठंडा हो जाएगा। बाकी यहाँ भी पर्दे आएंगे, लंबे वाले पर्दे, तो वो भी ऑटोमेटिक खुलेंगे, ऑटोमेटिक बंद होंगे, बिकॉज इतने बड़े पर्दे हैं, कोई हाथ से तो खोलेगा नहीं। और अब मैं आपको अपनी फेवरेट चीज दिखाने वाला हूँ, हमारा स्टूडियो जो कि ऊपर है, और यहाँ पे आएगी हमारी लिफ्ट पूरी बेसमेंट से लेके ऊपर 3rd फ्लोर तक, ये है हमारा स्टूडियो। तो अभी यहाँ बन रही है 2nd फ्लोर की सीढ़ियाँ, ये देखो यहाँ तक बनी है ना, अभी फिर जा पाएंगे अपने 3rd फ्लोर। आप जा सकते हो वैसे नीचे से, मैं सीढ़ी से आता हूँ, आराम से आराम से। यहाँ पे लकड़ियाँ लगी हुई हैं, तो मैं तो जा नहीं सकता, कुनाली जा सकता है, कुनाली वहां से निकल जाएगा नीचे से, कुनाली छोटा है ना, तो मैं सीढ़ी से ऊपर जाऊंगा।
आराम से कुनाली आराम से। अच्छा यहाँ पे सरिये लगे हैं, ट्राई करो, सरिये लग जाएगा आपको, बस हो गया। चलो भाई कुनाली तो गया, मैं सीढ़ी से आऊंगा अब। पहली बार टॉप। हाँ कुनाली पहली बार आया ऊपर, सबसे ऊपर, क्योंकि आ ही नहीं पता था ना, अब सीढ़ियां बन रही तो आ पाया ये। और ये देखो जो ये वाला एरिया ना पूरा, ये पूरा मेरा स्टूडियो है, घर के बिल्कुल टॉप फ्लोर पे स्टूडियो है पूरा का पूरा, ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पे मैं अपना आर्ट का काम करूंगा, इस आर्ट वाला ड्राइंग वगैरह पेंटिंग वगैरह बनाते हैं जो। और ये बहुत ही बड़ा स्टूडियो है देखो, यहाँ से लेके पूरा जो पीछे का पूरा एरिया है ना ये। तो मेरे पास जितनी पेंटिंग पड़ी है, आर्ट वर्क्स पड़े हैं, मैं सारे यहीं पे लगाऊंगा इसी स्टूडियो में, और यहीं पे काम करूंगा मस्त। बिकॉज एक आर्टिस्ट को ना अच्छे स्पेस चाहिए होता है सुकून में काम करने के लिए, तो वो मुझे यहाँ मिल जाएगा। और स्टूडियो का जो सामने वाला एरिया ना, ये देखो पूरा खाली है, तो यहाँ पे पूरा मस्त सजा देंगे इसको, यहाँ पे घास वास लगा देंगे, गमले हमले लगा देंगे पूरे। और ये स्टूडियो बन रहे गाइस, ये मेरा ड्रीम स्टूडियो है, कि मेरा ड्रीम था भाई मेरे पास ना आर्ट का काम करने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए मस्त सा बड़ा सा स्पेस हो, जहाँ पे मैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के अच्छे से काम कर सकूं। गाइस अभी तो मैं अच्छे से कर नहीं पाता आर्ट वाला काम, बट जब ये बन जाएगा ना तो यहाँ पे अच्छे से टाइम स्पेंड करूंगा और मस्त चीजें बनाऊंगा। आप लोगों को पता होगा जो स्टार्टिंग से देखते हैं, मैंने हरियाणा में भी एक स्टूडियो बनाया था अपने घर के ऊपर, और मैं वहाँ रहता भी था, वहाँ अपने काम भी करता था मस्त, क्योंकि वहाँ पे अकेले रहता और डिस्टर्बेंस नहीं होती थी बिल्कुल भी। और आजकल पता है मैं इसीलिए व्लॉगिंग में थोड़ा कम ध्यान दे पा रहा हूँ, बिकॉज मैं घर की चीज़ों में भी लगा पड़ा हूँ ना, कि ये लगवाना है, ऐसे करवाना है। बिकॉज जब घर बनता है ना तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि एक बार बन रहा है तो अपने हिसाब से दिमाग लगा के अच्छे से कि भाई क्या चाहिए हमको, उसके हिसाब से बनवा रहा हूँ। तो फिर भी मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ। गाइज मैं सबसे ज्यादा बस एक ही चीज में कंफ्यूज हो रहा हूँ, कि मैं फ्रंट में क्या डिजाइन रखूँ अपने घर के फ्रंट कैसा रखूँ। जैसे फ्रंट है ना घर का, तो इसमें क्या डिजाइन रखे हम, वो समझ में नहीं आ रहा। फ्रंट में क्या डिजाइन रखना चाहिए, शीशा लगा देना नॉर्मल, जिससे बाहर का व्यू दिखे। यहाँ पे क्या लगवाऊं ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे शीशा लगवाऊं या प्रॉपर दीवार लगाऊं। ग्लास लगाऊं ना, ग्लास क्यों, ग्लास क्यों, बाहर का व्यू दिखेगा ना। मेरे तो पता है फोन में भी सिर्फ घर के डिजाइन ही आते हैं। अब देखो कि इंटीरियर कैसा है, बाहर से कैसा है, ये देखो सिर्फ घर के डिजाइन आते हैं मेरे फोन में, क्योंकि हमारा घर बन रहा है ना भाई। भाई हमारे फोन को सब पता होता है हम क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। भाई आजकल मैं घर के बारे में सर्च कर रहा हूँ ना, घर के डिजाइन देख रहा हूँ, तो भाई मेरे इंस्टाग्राम पे वही रील्स आ रही हैं, वही फोटोज आ रही हैं। ओलू जूम आउट करता हूँ, ये देखो कितनी दूर है। गाइज ये जो फीलिंग है ना स्टार्टिंग से एंड तक घर बनता हुआ देखने की खुद का, वो भी स्टार्टिंग से एंड तक मेहनत करके। बिकॉज स्टार्टिंग में जब हम किराए पे रहते, हमारे पास खुद का घर भी नहीं था, हम एक रूम में रहते थे, तब से अब तक घर खुद का घर बनते हुए देखना अलग ही फीलिंग होती है, बिल्कुल अलग। और मुझे लगता है ये हर कोई पॉसिबल कर सकता है, अगर आप भगवान पर भरोसा रखोगे तो। मैं और मेरी फैमिली भगवान पर भरोसा रखते हैं, इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो हाँ आप भी भगवान पर भरोसा रखो, डेफिनेटली आपके भी सारे सपने पूरे होंगे। गाइस नए स्टूडियो को देख के इतना अच्छा लगा कि मेरे को तो ड्राइंग बनाने का मन कर रहा है, काफी टाइम के बाद आज ड्राइंग बनाएंगे। और नई पेंसिल से ये मैंने ली, देखो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इस पेंसिल से बनाऊंगा मैं, वैसे देखने में को पेन लग रहा होगा, बट ये पेंसिल है, मैकेनिकल पेंसिल है, ये शार्प नहीं करनी पड़ती ना। चलो भाई आंख से शुरू करते हैं, तो कमेंट कर देना ये आंख किसकी लग रही है आपको। मैंने तो वीडियो बनाने के लिए ट्राइपॉड भी खरीद लिया नया, देखो छोटा वाला फोन के लिए। चाय जी ले आए, दूध क्या डाला है, इसमें बेटा। तो भाई दोनों आंखें मैंने बना दी है बिल्कुल लाइट, तो जो बता सकता है कमेंट करके बताओ, मैं जरूर पिन करूंगा ये आंखें किसकी हैं। बहुत ही पॉपुलर बंदे हैं जो भी हैं। और देखो मैं कितनी बड़ी ड्राइंग बना रहा हूँ पूरी। गाइज इसको कंप्लीट करने में मुझे कम से कम 10 दिन लग जाएंगे, बिकॉज काफी बड़ा साइज है, बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे। तो आप गेस करो कौन है। फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज तो अम्मा भी लगी हुई है अम्मा। देख लो पूरी फैमिली लगे पड़े हैं ट्रीटमेंट के लिए। गाइज हमारा घर बनने में ना 99.9% कॉन्ट्रीब्यूशन